नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार, अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पंडितों के पास। आज शनिवार को शिक्षा विभाग की तरफ से स्माइल 30 कार्यक्रम के तहत जो व्हाट्सएप की जाती है उसको समझने के लिए और उस क्विज को कैसे हल करते हैं, उस प्रक्रिया को लेकर के आज हम बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जो लिंक आती है आपको व्हाट्सएप स्कूल के ग्रुपों में शेयर की जाती है, उस लिंक को ओपन करिएगा। जैसे कि अभी ये लिंक है आपके सामने, जैसे ये आया है स्माइल 3 क्विज इम्पोर्टेंट अपडेट, इसमें विद्यार्थी हेलो लिख के भेजेंगे। तो सबसे पहले इस निर्देशों को पढ़ते हुए यहाँ पर अपने को लिंक पर क्लिक करना है। ये लिंक है जो आपको येलो इस पे टच किया, इस पे टच करने के बाद प्रोसेसिंग चल रही है। ये सप्ताह भर की पढ़ाई का ऑनलाइन टेस्ट होता है। इस टेस्ट में हम प्रश्नों को हल करने के लिए प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर हम टच करते हैं इस लिंक पर। यहाँ टच करते ही हमारे सामने एक व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, इसको हम एलो कर देंगे। एलो करने के बाद हम व्हाट्सएप पे जाएंगे। व्हाट्सएप पे जाकर के हम इसमें जो हेलो लिखा हुआ है उस हेलो को यहाँ पर हम सेंड कर देंगे। हेलो को सेंड करेंगे तो हमारे पास में एक यहाँ से एक दो मिनट का समय लग सकता है। उसके दौरान नमस्ते, आओ घर में सीखें, 20 कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, अब पढ़ाई होगी सरल और मज़ेदार, कृपया विद्यार्थी के स्कूल का NIC कोड टाइप करें। तो हम आप अपने अपने विद्यालय के जो भी विद्यार्थी अध्यापक से ले सकते हैं, और हमारी विद्यालय का जो NIC कोड है वो हमने 43 39 71 लिख के सेंड कर दिया। तो वापस मैसेज प्राप्त होगा अपने को, कृपया स्कूल विवरण की पुष्टि करें। अपने स्कूल का नाम आ जाएगा NIC कोड भेजने के बाद में। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पंडितों के पास विद्यार्थियों को यही कोड भेजना है सभी को, चाहे वो किसी भी कक्षा 1 से 8 तक कोई भी कक्षा में पढ़ता हो। ये भेजने के बाद अपना स्कूल का नाम आ जाएगा, और यदि स्कूल का नाम सही आ रहा है तो 1 लिख कर भेजें, अगर स्कूल का नाम सही नहीं आ रहा है तो 2 लिख कर भेजें। हमारे स्कूल का नाम सही आ गया इसलिए 1 लिख के भेज दिया। ये 1 लिख के भेजने के बाद में बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, पहली वाले को 1 लिख के भेजना है, दूसरी वाले के लिए 2 लिख के भेजना है। इसी प्रकार आप जिस कक्षा में पढ़ते हो उस कक्षा के हिसाब से आपको भेजना है। जैसे कि कोई बच्चा चौथी क्लास में पढ़ता है तो मैंने यहाँ 4 भेज दिया, तो वापस मैसेज प्राप्त होगा कि विद्यार्थी का लिंक क्या है, विद्यार्थी लड़का है या लड़की। अगर लड़का है तो 1 भेजें, लड़की है तो 2 भेजें। तो हमने 1 भेज दिया लड़के के लिए, पुरुष के लिए। और विद्यार्थी का प्रथम नाम क्या है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, विद्यार्थी का नाम करण सिंह कुशवाहा है तो अंग्रेजी में केवल करण लिख के भेजना है। जैसे हमने एक विद्यार्थी का नाम लिख के भेजा भरत, और बच्चे का पूरा नाम भरत कुमार है, तो वापस मैसेज आ जाएगा, कृपया सूची से विद्यार्थी का नाम, SR नंबर और जन्मतिथि सही विकल्प चुन लीजिए। ये जो बी पर जितने नाम थे वो नाम आ गए, इसमें भरत दूसरे नंबर पे है तो हमने यहाँ 2 लिख के भेज दिया। अब भरत का पंजीकरण है वो वहाँ हो चुका है, अब से विद्यार्थी यहाँ पर हर सप्ताह खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बहुत अच्छा सहयोग बेहतर सहयोग कर पाएंगे। अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुनें, और 1 से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ भी सकते हैं इसमें। तो अभी अभ्यास शुरू करना है तो हम यहाँ पर 1 लिख के भेज देंगे, अगर हम विद्यार्थी और जोड़ना चाहते हैं तो 2 लिख के भेज देंगे। जैसे कि अभी 1 बच्चा जुड़ा है, हमें और विद्यार्थी जोड़ने हैं तो हम 2 लिख के भेज देंगे। वापस वही प्रोसेस, स्कूल की NIC कोड भेजनी पड़ेगी वापस, हमने वो भेज दिया, स्कूल का नाम आ गया, उसके बाद में स्कूल का नाम सही है तो 1 भेजना, बच्चा कौन सी क्लास में है तो उस हिसाब से भेजना कि बच्चा चौथी क्लास में है तो 4 भेज दिया,
बच्चे का लिंग क्या है, इस बार हमने फीमेल लिंग के लिए भेज दिया, बच्ची के लिए दो भेज दिया। विद्यार्थी के नाम का पहला अक्षर टाइप करना, जैसे बच्ची का पूरा नाम भमू कंवर है तो हमने भमू लिख के भेज दिया। अब इसमें से भमू कंवर, आप भमू किसका करना चाहते हो, भमू कंवर इसका करना चाहते हो काम, तो ये यहाँ एक लिख के भेज दिया, तो इसका पंजीकरण यहाँ पर सफलतापूर्वक हो गया। अब से विद्यार्थी यहाँ हर सप्ताह अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बेहतर सहयोग कर पाएंगे। अभ्यास करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुने। अब यहाँ पर दो विद्यार्थी अपने पास में जुड़ चुके हैं, पहले एक भरत कुमार जुड़ चुका है, अब एक भमू कंवर जुड़ चुकी है। अब मान लो हम किसी एक विद्यार्थी को लेकर क्विज हल करना चाहते हैं। अभी तक आपका पंजीकरण हुआ है, इसके बाद अब आपको सवाल मिलेंगे। जैसे ही हमने भरत कुमार, जैसे आप प्रत्येक बच्चा करेगा तो सब बच्चे अपने व्हाट्सएप पर इस प्रकार का पहले काम करेंगे और अपना नाम भेजेंगे। अपना नाम भेजने के बाद में जो भी आपका नाम है उस नाम का कोड भेजेंगे। जैसे मैं भरत कुमार का कर रहा हूँ तो भरत कुमार के लिए मैं एक भेज रहा हूँ। अब हिंदी सप्ताह फर्स्ट, अब सप्ताह फर्स्ट का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आपसे एक एक करके 8 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और उत्तर देने के लिए केवल विकल्प संख्या भेजनी होगी, पूरा उत्तर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं? 8 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और ये हम अगर शुरू करना चाहते हैं तो एक भेजें, अगर शुरू नहीं करना चाहते हैं तो दो भेज सकते हैं। तो हम क्विज को हल करना चाहते हैं, 8 प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं, तो हमने एक भेज दिया। तो वापिस मैसेज प्राप्त हुआ है कि मुस्काइए, हम अभ्यास शुरू कर रहे हैं, स्माइल कार्यक्रम का नाम है। तो पहला सवाल फिर प्राप्त हुआ है, धरती शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो धरती शब्द का पर्यायवाची वानो, माता या धरा, इसमें से तीसरा ऑप्शन राइट है, तो हमने यह 3 लिख के भेज दिया। इसी तरीके से बच्चों 8 प्रश्न अपने को इस तरीके से प्राप्त होते रहेंगे और 8 प्रश्न प्राप्त होते रहेंगे, उनके हम उत्तर ऐसे भेजते रहेंगे और अंत में 8 प्रश्न पूरे करने के बाद में हमको एक आंसर की मिलेगी। उस आंसर की में, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आंसर की PDF फाइल में मिलेगी और उस PDF में हम, जैसे ये 8वीं क्लास की आंसर की आई हुई है पहले, तो इस PDF को ऐसे खोल करके हम अपना उत्तर चेक कर सकते हैं। ये PDF 8 प्रश्नों की है, जैसे फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो इसका सही जवाब है 14 जुलाई 1789। इस तरीके से अभी जो अपन ने प्रश्न भेजे हैं उनके भी 8 सवाल पूरे करने के बाद में आंसर की मिल जाएगी और अपना राइट आंसर है या गलत आंसर है, आपका स्कोर कितना रहा है, वो सारा एक सप्ते का टेस्ट हो जाएगा। धन्यवाद।